पूरे स्कूल टाइम में मैम हमारी रील बनाती हैं। मैम कहती हैं कि लाइक करो इसे, फिर मारती भी हैं। पहले करेंगे तभी उन्हें सिखाएंगे भी। मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। यूपी के जिला अमरोहा के एक गांव में एक सरकारी स्कूल में कुछ टीचर की पोस्टिंग की गई कि वो वहां के बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन इन शिक्षिकाओं को तो सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत सवार है। स्कूल में ऑन ड्यूटी रील्स बनाती है और छात्रों और छात्राओं से लाइक और सब्सक्राइब भी करवाती है। सरकारी स्कूल में तैनात एक नहीं बल्कि चार चार महिला शिक्षिकाएं ऑन ड्यूटी रील्स बनाने में व्यस्त रहती है और उस काम में बच्चों को भी व्यस्त करके रखती है। स्कूल टाइम में मैम हमारी रील बनाती हैं। अच्छा। और बच्चों से कहती है लाइक करो, शेयर करो, नहीं करेंगे तो हम मारेंगे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने की अपने घर पे जाकर? जी सर, अपने पापा से की थी। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? मनीषा। मनीषा, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या सर, यहाँ पर रील बनवाती हैं, रोटियाँ भी बनवाती हैं लड़कियों से और चाय भी बनवाती हैं और बर्तन भी साफ करवाती हैं। अच्छा, हर रील बनाती हैं, स्कूल टाइम में बनाती हैं। अच्छा, तो उसे लाइक करने के लिए? जी सर, लाइक हमारे पापा तो हमें मोबाइल चलाने नहीं देते और मैम कहती हैं कि लाइक करो इसे, तो मजबूरी में चलाना पड़ता है, फिर मारती भी हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सुनील। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? सेवंथ में। सेवंथ में पढ़ते हो, क्या हो रहा है स्कूल में? सर, ये मुझसे मैडम ने एक बार मुझसे लेटरिंग में पानी भी गिरवाया था, तो मैं मुझसे कह रही थी कि 2 रुपये वाला पार्ले जी खिलाऊंगा और काम में जाकर ऐसे बात नहीं कहते, तो मुझसे लेटरिंग पानी गिरा था और मुझसे मट्टी भी दिलवाई थी, तो मुझसे वो खड्डे बंद करवाए थे और मैं कमरा बंद करके कई दिन मारा बच्चों ने, तो मैं एम सिंह सर से कहने गया कि सर मैं मारा हूँ इन्होंने, तो उन्होंने की और तुझे तो सभी मारते रहते हैं। वायरल हो रही, कहाँ से वायरल हो रही है? सोशल मीडिया इतना वाइड है, हम इसके विषय में कोई जानकारी हमें नहीं है। हम कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो बच्चों को सिखाने के लिए विद्यालय समय के बाद और विद्यालय प्रांगण से बाहर होती है। ये वीडियो कैसे वायरल हुई है, कहाँ से वायरल हुई है, इस सब की हमें कोई जानकारी नहीं है। हम बच्चों को यहाँ पे पूरी ईमानदारी से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद में भी अपने बच्चों को मंडल स्तर तक, ब्लॉक लेवल तक और जिले स्तर तक हमने खूब बच्चों को आगे रखा है अपनों को। क्योंकि ये कैसे वायरल हुई, कहाँ से वायरल हुई, हम लोग जो है बच्चों को प्रोग्राम कराते हैं तो उनके साथ खुद भी करते हैं, क्योंकि जब हम पहले करेंगे तभी उन्हें सिखाएंगे भी।